छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र में सत्ता पक्ष पार्टी के दो वरिष्ठ नेता मंत्री टीएस सिंहदेव और मंत्री ताम्रध्वज साहू सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हो रहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष ने कई प्रकार के सवाल उठाए। बता दें कि विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरते हुए प्रदेश में संवैधानिक संकट बताया है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि सरकार संवैधानिक संकट से गुजर रही है। वहीं कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि गृह मंत्री स्वास्थ्यगत कारणों से सदन में नहीं पहुंचे हैं। ढाई ढाई साल के मामले साढ़े तीन साल में निकल गए, और जिस प्रकार से टीएस बाबा को अपमानित करने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है, चार पेज का खुला उन्होंने पत्र लिखा और उसके बाद में वो सदन की कार्रवाई में नहीं आ रहे हैं। एक मंत्री नहीं और भी मंत्री नहीं आ रहे हैं, कारण मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप देखेंगे कि मंत्री वहां पर नहीं है। देखिए, दोनों मंत्री जी बहुत ही वरिष्ठ हैं और दोनों ने जो उनके कारण हैं उसको बताए हैं। मैं समझता हूँ गृह मंत्री जी को वायरल फीवर है, इस वजह से वो नहीं। और टीएस सिंहदेव जी तो पिछले कुछ दिनों से संगठन के काम से भी और मैं समझता हूँ कोई और दूसरे काम से भी उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष जी को इसकी जानकारी दी हुई, और पहले से सबसे ज़्यादा सदन में रहने वाले वो दोनों